हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू हियर। आज के इस वीडियो में हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे। अगले 6 मिनट में हम जानेंगे ब्रिक्स के मोस्ट कॉमन यूज होने वाले टाइप्स के बारे में, उनके यूज के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में और उनकी कॉस्ट के बारे में। तो बिना कोई फालतू का ज्ञान पहले आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की। हम इस वीडियो में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले 5 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर एक के बारे में मैं सारी डिटेल एक एक करके बताऊंगा, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो भाई, पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं बन क्ले ब्रिक्स। इन्हें हम बेसिकली रेड ब्रिक्स या लाल ईंट के नाम से जानते हैं। ये पूरी दुनिया में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली ब्रिक है और इन्हें वेट क्ले को मोल्ड्स में प्रेस करने और सुखाने के बाद भट्टों में गर्म करके बनाया जाता है। इन्हें मैक्सिमम लोड बेयरिंग और नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स, वाटरप्रूफिंग, ब्रिजेस, आर्चेस और पाथवेज में यूज किया जाता है। भाई, अगर इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 35 से 105 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलती है। इतना वेरिएशन इसीलिए है क्योंकि इन्हें क्वालिटी के बेसिस पर 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर कॉस्ट की बात करें तो ये इंडिविजुअली तो काफ़ी किफ़ायती कीमत पर मिल जाती है, पर इससे होने वाला काम काफ़ी महंगा पड़ता है क्योंकि इररेगुलर शेप और साइज होने के कारण मेसनरी और प्लास्टर दोनों में ज़्यादा मोर्टार लगता है। इसके साथ ही इनमें 10 से 12% या उससे कहीं ज़्यादा ब्रेकेज होता है और इनसे होने वाला एनवायरमेंटल डैमेज इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए जो कोयला जलाया जाता है उससे हर साल करीब 2000 करोड़ किलोग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है। इतना ही नहीं, इन्हें बनाने के लिए टॉप फर्टाइल सॉइल कवर यानी एग्रीकल्चर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है वो यूज़ होती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और साथ ही इन्हें बनाने और लगाने दोनों में ज़्यादा पानी की नीड होती है, तो ये भी इन्वायरमेंटल व्यू से ठीक नहीं है। मतलब साफ है, इनका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन यूज होने वाला टाइप है वो है फ्लाई एश ब्रिक्स। इन्हें फ्लाई एश और क्ले को मिक्स करने के बाद मोल्ड करके बनाया जाता है। इन्हें वाटरप्रूफिंग को छोड़कर बाकी सारे कामों में यूज कर सकते हैं जहां रेड ब्रिक्स यूज होती है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 90 से 100 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलती है। अगर कॉस्ट की बात करें तो इंडिविजुअली ये रेड ब्रिक्स की ही कीमत पर मिल जाती है, पर ओवरऑल इनसे काम करना काफ़ी किफ़ायती होता है क्योंकि इवन शेप और साइज होने के कारण ब्रिकवर्क और प्लास्टर दोनों में मोर्टार कम लगता है। और सबसे अच्छी बात है, इन्हें बनाने में फ्लाई एश कंज्यूम होती है, जिसका डिस्पोजल बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड की टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर भी बच जाती है। मतलब ये ब्रिक्स इकोनॉमिकल होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। इसके बाद अगला जो टाइप है वो है कॉन्क्रीट ब्रिक्स या कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। तो भाई, नाम से ही पता चल रहा है कि इन्हें बनाने के लिए कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। मतलब इन्हें सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को शेप देने के बाद क्योर करके बनाया जाता है। इन्हें मैक्सिमम फाउंडेशंस, बेसमेंट वॉल्स, रिटेनिंग वॉल्स, फायर प्लेसेस, गार्डन वॉल्स और फेंसेस जैसी जगहों पर काम में लिया जाता है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 से 350 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलती है। बेसिकली ये डिपेंड करती है कि ब्लॉक सॉलिड है या होलो और कौन सा कॉन्क्रीट मिक्स इन्हें बनाने के लिए यूज़ किया गया है। अगर कॉस्ट की बात करें तो इंडिविजुअली तो ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं, पर ओवरऑल इनसे होने वाला वर्क काफ़ी इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इवन शेप और फ्लैट सरफेसेस होने के कारण मोर्टार काफ़ी कम लगता है और साथ ही ना के बराबर वेस्टेज होता है। मतलब ये ब्लॉक्स ऑलमोस्ट 100% काम में आ ही जाते हैं। इनका एक बेनिफिट ये भी है कि इन पर फेवरेबल कंडीशंस में प्लास्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई, अगला जो टाइप है वो है सैंड लाइम ब्रिक्स। इन्हें सैंड लाइम और फ्लाई एश के वेट मिक्सचर से एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है। इनकी एक अच्छी बात यह है कि इनमें पिगमेंट मिलाकर इन्हें बहुत सारे कलर्स में बनाया जा सकता है। भाई, ये ब्रिक्स यूजुअली इंडिया में यूज नहीं होती है, इन्हें मैक्सिमम ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन कंट्रीज में यूज किया जाता है और इन्हें मैक्सिमम ऑर्नामेंटल पर्पज से और लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स में यूज किया जाता है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 से 100 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाती है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो ये भी फ्लाई एश ब्रिक्स की तरह ही इकोनॉमिकल होती है क्योंकि इन पर भी फेवरेबल कंडीशंस में प्लास्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्लैट और इवन सरफेसेस होने के कारण मोर्टार भी बहुत कम लगता है। तो भाई, हमारा जो लास्ट बचा हुआ टाइप है वो है AAC ब्लॉक। इन्हें फाइन एग्रीगेट सीमेंट और एल्यूमिनियम पाउडर जैसे एक्सपांशन एजेंट मिलाकर बनाया जाता है, जिनके केमिकल रिएक्शन से बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और मिक्सचर में वॉइड्स पड़ जाते हैं। इसी कारण बनने के बाद ये ब्लॉक्स काफ़ी लाइटवेट होते हैं।
इनके हल्के होने की वजह से ही इन्हें मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग्स, नॉन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स और पार्टीशन वॉल्स में यूज़ किया जाता है। इन ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 से 80 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिल जाती है, जो कि इनकी थिकनेस पर डिपेंड करती है। और अगर कॉस्ट की बात करें तो इंडिविजुअली तो ये बहुत ही महंगे मिलते हैं, पर ओवरऑल मेजनरी की कॉस्ट बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि मशीन कट होने के कारण ये रेगुलर शेप और इवन साइज में मिल जाते हैं, जिससे मोर्टार बहुत ही कम लगता है। दूसरा, इनमें ब्रेकेज ना के बराबर होता है, जिससे ब्लॉक्स का 100% यूटिलाइजेशन हो जाता है। तीसरा, इनकी कटिंग इतनी अच्छी होती है कि इन पर प्लास्टर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक्सटीरियर वॉल नहीं है तो इन पर डायरेक्ट वॉल पुट्टी भी की जा सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।